सीक्रेट ट्रिक के साथ दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पर इंटरफेस आएगा और इसके बाद क्लियर ऑल डाटा का देख सकते हैं यहाँ पर 100% सक्सेसफुल रहेगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आपका भी यदि वीवो का सेट है उसमें आपका पैटर्न लग चुका है तो आगे आपने जो देखा सीक्रेट ट्रिक के साथ दोस्तों आपका क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन 100% जो है आपका यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब गलत पे आप डालते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पर जो है टाइमिंग रिमेनिंग शुरू होता है। तो ट्रिक के साथ दोस्तों हम लोग जो है इसका आज अनलॉक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन को आपको यहाँ पर 5 से 6 बार आपको जल्दी जल्दी प्रेस करना है। इसको प्रेस करते के साथ दोस्तों इस तरह से आपका इंटरफेस आ गया। तो अब सोचिए आपका 100% अनलॉक जो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आपको जो है इस तरह से आएगा, तब आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। कैंसिल यहाँ पर आपको कर देना है और कैंसिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से फिर से ये आपका होने के बाद पावर ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर प्रेस करके रखना है और आपको इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पर पावर ऑफ कर देंगे दोस्तों। पावर ऑफ करने के बाद आपको जो है पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर से वीवो लिखा हुआ है वो आपका आएगा और रिकवरी मोड इस तरह से आएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है दोस्तों और पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है। इसके बाद का जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखें क्योंकि एक एक स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है आपका फ़ोन इस तरह से अनलॉक हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों चेक सिस्टम को इनेबल करना है। चेक सिस्टम इस तरह से आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चेक सिस्टम को इनेबल करेंगे। यहाँ पर आपका चेक सिस्टम को इस तरह से हम लोग यहाँ पर इनेबल करेंगे। इस तरह से चेकिंग लिखा हुआ है, ओके आएगा, तब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इस तरह से जब चेक सिस्टम हो जाए, ओके आए, ओके कर देना है दोस्तों। और इसको हम लोग रिपीट करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से रिपीट करेंगे और आपको जो है यहाँ पर इस तरह से आपका जब आएगा और कुछ देर आपको यहाँ पर चेकिंग करेगा और चेकिंग करने के बाद आपका ओके आएगा तो ओके कर देना है। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में जाना है, नेटवर्क अपडेट में जाना है और यहाँ पर कनेक्ट टू द इंटरनेट जहाँ बोल रहा है इसको आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इसको आपको ओके करना है दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करना है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद दोस्तों आगे जो है आपको यहाँ पर फिर से आपको वीवो लिखा हुआ आएगा और अगला स्टेप जो है आपका अलाउ करने का वो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको आगे में अलाउ करना है दोस्तों। इस तरह से आपका यहाँ पर आपका अलाउ करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जब आ जाए इस तरह से आपका अलाउ करने का ऑप्शन, तो आपको अलाउ करना है। यहाँ पर इस तरह से अलाउ करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इसको आपको अलाउ, इसको आपको करना है। तो स्कैन वाईफाई का इस तरह से आएगा, वाईफाई को आपको कनेक्ट कर लेना है जो आपका है। उसको वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसको आपको अपडेट में दे देना है। अपडेट यहाँ पर होगा दोस्तों, एंड्रॉयड 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, आपका जो लेटेस्ट अभी चल रहा है उसमें आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आपका यहाँ पर अपडेट होने के बाद आपका जो है इस तरह से आपका फ़ोन फिर से ऑन होगा। तो अपडेट जब हो जाए दोस्तों तो अपडेट होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर से जो है शुरू करना है, यहाँ से फिर से मोबाइल को यहाँ पर पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ यहाँ पर होने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों फिर से यहाँ पर रिकवरी मोड आपका आ जाएगा और पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ बटन को। इसके बाद दोस्तों फिर से वीवो लिखा हुआ आएगा और आगे जो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि चेक सिस्टम जो है इनेबल हुआ है और आपका क्लियर ऑल डाटा का जो ऑप्शन है सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हम लोग का क्लियर चेक सिस्टम इनेबल हुआ है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको चेक सिस्टम में भी और क्लियर डाटा में भी आपको दोनों फिंगर को एक साथ यहाँ पर रखना है और देखते हैं कि क्लियर डाटा जो है इनेबल हुआ है कि नहीं और आपका चेक सिस्टम इनेबल हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों और फिंगर को छोड़ेंगे। तो 100% दोस्तों हम लोग का चेक सिस्टम इनेबल हुआ है और हम लोग का जो है ट्रिक
यहाँ पर वर्क किया है, तो क्लियर केक को हम लोग रिमूव कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग जो है आपका क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन है, इसको हम लोग को यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है और आपका ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों 100% जो है आपका यहाँ पर इस ट्रिक से हम लोग जो है वीवो का आपका सेट है दोस्तों। तो 100% यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर रिटर्न जाएंगे, यहाँ पर एक बार बैक करना है दोस्तों, और रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसको प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इस तरह से ओके आपको कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपका पैटर्न रहे, पिन रहे, पासवर्ड रहे, 100% दोस्तों यहाँ पर आपका अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से अनलॉक होने के बाद दोस्तों वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके इसके बाद का जो है FRP का ऑप्शन वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है, स्टार्ट यहाँ पर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स को टिक करना है और आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है, इसको प्रेस करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट करने के बाद गूगल सर्विस मिलेगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों इसको स्किप करना है, स्किप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है और इसके बाद यूज नाउ का ऑप्शन में आपका फ़ोन 100% यूज